Good morning, friends. It's just past 6 o'clock right now, और I'm all geared up already. Ride करने की तैयारी हो चुकी है. The date is 15th of August 2019. रक्षाबंधन है आज और मैं अभी हूँ सोलापुर में. यहाँ से घर जाना है. अभी घर पे किसी को पता नहीं है कि मैं आने वाला हूँ घर, क्योंकि थोड़ा काम था यहाँ पे, तो it was a bit unsure. लेकिन last moment पे possible है तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से. Here you go, guys. Everything is set. The luggage is packed, mounted on bike, and we are ready to leave. Is pe baithna ek takleef hoti hai. Okay. I am also mounted on bike now. So the time is 6:27 actually. This clock is 10 minutes ahead. Kilometers is 5:21. एक मिनट के लिए चालू रखते हैं इंजन को. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल. यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स. इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर, वी इनवाइट यू टू जॉइन आवर जर्नी कॉल्ड ट्रैवल लाइफ. यू कैन डू दैट बाय सिंपली क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ अवर फ्यूचर वीडियोज. एंड टू कीप इन टच विद अस इन रियल टाइम, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. द हैंडल्स आर फ्लैशिंग राइट डाउन हियर. सो गाइस, एज आई सेड, आज रक्षाबंधन है और बहन की रक्षा करने के लिए, मतलब सारी बहनों की रक्षा करने के लिए निकला हूँ. टोटल जर्नी फ्रॉम दिस प्लेस टू माय होम इज़ अराउंड 365 किलोमीटर्स. लेट्स सी कितना टाइम लगता है. दैट्स द रेलवे स्टेशन ऑफ सोलापुर, रिसेंटली रिनोवेटेड. बहुत अच्छा बनाया अभी. सो दिस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल. लेट्स होप कि कल ये कहीं रास्ते पे पड़े ना मिले सब. सो वी आर आउट ऑफ द सिटी नाउ. इट्स 6:48 इन द क्लॉक, 6:38 एक्चुअल. मतलब 10 मिनट लगे फ्रॉम द गेस्ट हाउस टिल द एग्जिट पॉइंट ऑफ द सिटी. अर्ली मॉर्निंग, नॉट रियली अर्ली मॉर्निंग, बट सुबह सुबह निकला हूँ तो कम टाइम में निकल गया. अदरवाइज अराउंड आधा घंटा जाता इसी डिस्टेंस में. सो नाउ वी हैव दिस 6-lane हाईवे फॉर नेक्स्ट 250 किलोमीटर्स टिल पुणे. होपफुली इट शुड बी अ स्मूथ एंड बटरी रन. लेकिन ऑफकोर्स नॉन स्टॉप नहीं करूँगा मैं. आई नेवर डू नॉन स्टॉप डिस्टेंसेस. 70-75 किलोमीटर्स पे रुकता हूँ मैं, मैक्स 75. उससे ज़्यादा नहीं चलाता नॉन स्टॉप. So I'm thinking of taking my first halt at Indapur Toll Plaza, jo apna favorite Mauli chai. I'll show you when we reach there. पिछले 2-3 ब्लॉक से काउंटिंग किलोमीटर्स में ये ऐसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव वाले शॉट्स आ रहे हैं, तो मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी कि ये एक्चुअली करते कैसे हो, हाउ आर यू शूटिंग दिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. तो इट्स एक्चुअली इंस्टा 360 कैमरा. द कैमरा इज माउंटेड ऑन अ सेल्फी स्टिक, बट बाई इटसेल्फ वो सेल्फी स्टिक को गायब कर देता है. सो इफ यू वांट टू सी हाउ द एक्चुअल सेटअप लुक्स लाइक, it's like this. So I'm holding it in my left hand, the selfie stick is extended and the cam is shooting from there. But when you see the shots taken from that camera, usme aapko ye selfie stick nahi dikhegi. Guys, this village on my right side, that village is named as Shetford. अभी तक कभी गया नहीं हूँ उस गांव में, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस गांव के बारे में. वहाँ पे हर घर में एक डेडिकेटेड प्लेस रखी हुई है फॉर द स्नेक्स.
ऑलमोस्ट हर घर में पाए जाते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड स्पेस होती है, कभी भी आके वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ से जाते हैं। इट इज़ बिन कवर्ड ऑन नैट जियो एंड डिस्कवरी चैनल और समवेयर, उसमें देखा था मैंने। तो रूटीन मेरे रूट पे है, लेकिन अभी तक कभी जा नहीं पाया हूँ। होपफुली अगर कभी जाने का टाइम मिला ना तो ज़रूर उसको कवर करूँगा मैं आपको दिखाने के लिए। दिस ब्रिज इज बिल्ट ऑन भीमा रिवर, इट्स एक्चुअली द बॉर्डर बिटवीन सोलापुर एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पे डैम भी है, इफ यू कैन सी देयर इट इज, दैट्स उजनी डैम। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स इन महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ बैक वाटर्स। इट्स सो बिग एक्चुअली, यहाँ पे डैम का वॉल है एंड द बैक वाटर्स आर एक्सटेंडेड टिल बिग वन, जो यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर्स है। सो तकरीबन इस वॉल से 50 किलोमीटर तक इसके बैक वाटर्स है, दैट्स हाउ बिग इट इज। हियर वी आर, बिहार का जो वॉचमैन है ना वो भी पहचान वाला हो गया है। चाय पी के हो गई और अपना पिट स्टॉप का फंडा मालूम है ना, हेलमेट का वाइजर क्लीन करो, हेडलाइट और इंडिकेटर के ग्लासेस क्लीन करो, देन चेक एयर प्रेशर मतलब विजुअली, और फिर एक्सरसाइज, बाकी कोई वेल्डिंग जॉइंट्स में वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो वो चेक करो, लगेज ट्रैपिंग चेक करो, ऑल दिस टेक्स 5 मिनट्स। हाँ, उसमें एक और भी चीज़ है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करो। सो एवरीथिंग इज डन एंड वी आर ऑन द रोल वंस अगेन। कौन कहता है कि इंडिया में अच्छे रोड्स नहीं है? सी दिस, अपने यहाँ पे ना मीडिया का और सबका यही प्रॉब्लम है, जब इंडिया के बारे में दिखाएंगे ना तो कहीं पे गांव में जाके खड्डों वाले रोड का फोटो निकालेंगे, और जब दूसरे कंट्रीज के बारे में दिखाएंगे ना तो उनके फ्रीवेज के फोटो दिखाएंगे। कंपेयर करना है तो सेम लेवल पे कंपेयर करो ना यार। बस ये चीज़ इरिटेट करती है। गिनो अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओह गॉड, ओह फिर से मैथ्स की क्लास, फिर गिनो। अरे इधर तो ज़्यादा लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं 15 ही थे, गिन के 15 स्पीड ब्रेकर डाले हर जगह पे। This is one crazy toll plaza. Toll plaza उधर है और bikes के लिए यहाँ से exit बना रखा है। और board देखो कितना बड़ा है। अगर नहीं दिखा और आप आगे चले गए ना तो उधर से वापस भेजते हैं वो लोग। जाओ उधर से। Crazy. चलो थोड़ी सी पेट पूजा हो गई,
अभी वापस एक बार रुकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर में बाइक को भूख लगने वाली है, तो उसका भी पेट भरना पड़ेगा। पुणे सिटी क्रॉस करके फिर कोई पेट्रोल पंप ढूंढेंगे, सो दैट वहाँ पे रुकेंगे, फ्यूल अप करके वहाँ से निकलेंगे तो सीधा घर, फिर बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। क्या नसीब है यार आज अपना, ये मुंडवा एरिया के चार सिग्नल गंदे वाले, मतलब यहाँ पे एक बार रुक जाओ तो कम से कम 10 मिनट जाते हैं वो तीन चार सिग्नल क्रॉस करने में, चार में से तीन सिग्नल लगातार ग्रीन मिले बिना रुके निकला हूँ, और अभी आखिरी वाला चौथा ये भी ग्रीन है। हड़पसर से लेके रेसकोर्स तक एक भी सिग्नल पे रुकना नहीं पड़ा, क्या बात है। कार्ड चालू है ना, फुल करो। प्राइस वॉज 77.53, क्वान्टिटी बैठा 10.04 लीटर्स, ओडो रीडिंग इज 60802। ओके देयर यू गो, 28.19, नॉट बैड। ओके सो द टाइम इज 11:17 इन दिस क्लॉक। पुणे से क्रॉस हो चुके हैं अभी, जो जहाँ से एक्सप्रेसवे चालू होता है उसके थोड़े से पहले रुका हूँ। अब यहाँ से चलेंगे नॉनस्टॉप, तो अभी ये हेडलाइट क्लीन करना वगैरह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं हालत दिखाता हूँ गाड़ी की, सीरियस इतनी बेकार हालत तो राजमाची वगैरह ऑफ रोड करते वक्त भी होती नहीं है। Been around 20 minutes लोनावला सिटी क्रॉस करते करते, छुट्टी के दिन लोनावला। गाइस हियर वी आर करजत का मेन एंट्रेंस का जंक्शन, एंड द टाइम इन दिस क्लॉक इज 12:48 PM। ये रेलवे का ओवरब्रिज है, रेलवे स्टेशन इज ऑन माय राइट हैंड साइड। वी स्टार्टेड फ्रॉम सोलापुर एट 6:30 इन दिस क्लॉक। सोलापुर स्टेशन से जो पास हो गई वो अराउंड 6:40 और अभी जब यहाँ पे पहुंचे करजत स्टेशन पे द टाइम इज 12:48, सो इट टुक अराउंड 6 hours and 10 minutes फॉर अस टू रीच फ्रॉम सोलापुर टू करजत, इंक्लूडिंग ऑल द स्टॉप्स दैट वी टुक।